फूड गुरु टू से नेहा मल्होत्रा आपके साथ। तो अभी काफ़ी फ्रूट्स भी आ रहे हैं, सर्दियों का सीज़न है, तो स्ट्रॉबेरी भी बहुत ही अच्छी आई है, तो हम लेकर आए हैं स्ट्रॉबेरी है। तो ये स्ट्रॉबेरी में भी कीड़े होते हैं ऐसा हमने सुना है और कई बार हमने देखा भी है, तो और काफ़ी डस्ट भी होती है। तो हम खाने के पहले इसे क्या करेंगे वो आपको हम दिखाते हैं, और बस आपको हम जो भी दिखाएंगे किचन टिप्स हो या रेसिपी हो सब कुछ हेल्थ रिलेटेड होगा और हेल्दी होगा, इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर देखिए, मेरे वीडियो देखिए। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि उन्हें भी मेरे डेली वीडियो मिलते रहेंगे। मैं यही कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट दूँ, और जो भी हम घर में बनाते घर में पड़ी हुई चीज़ों से बिल्कुल हेल्दी और बिल्कुल सिंपल रेसिपीज मेरी होती हैं। तो आप देखिए, तो चलिए अभी ये स्ट्रॉबेरी को हम चेक कर लेते हैं, एक बार जाके देखते हैं। बस कंटेनर लिए, माइक्रोवेव सेफ है, पानी हमने गर्म कर लिए थोड़ा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रॉबेरी है जिसे हम एक एक करके इसके अंदर डाल देते हैं, जो हम लेकर आए हैं पैकेट, ये हम स्ट्रॉबेरी इसमें सारी की सारी इस तरह से डाल देंगे। स्ट्रॉबेरी हमें दिख तो रही है बहुत बढ़िया और अच्छी क्वालिटी की ली है, फिर भी हम इसको चेक करेंगे। हमने पानी को थोड़ा गर्म कर लिया है इस तरह से, बहुत नहीं उबालना बट थोड़ा गर्म होना चाहिए पानी। अब ये पानी डाल दिया, इसी के साथ हमने ये 1 टेबलस्पून नमक रखा है जो हम इसके अंदर डाल देंगे, और अब हम कुछ देर के लिए रुकेंगे और देखेंगे इसमें कीड़ा है क्या। अगर इसमें कीड़ा है तो वह बाहर आ जाएगा, कीड़ा नहीं होगा तो इसकी सारी जो ऊपर डस्ट है मिट्टी है वो सब निकल जाएगी। तो हम इसे एक दो मिनट तक छोड़ देंगे ऐसे। देखिए हमने रखे 1-2 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं, हमें कोई कीड़ा नहीं नजर आ रहा है। एक्चुअली हमने ली तो बेस्ट क्वालिटी की थी, फिर भी अगर कोई कीड़ा हो तो बाहर आ जाता है, पर हम एक एक करके ऐसा निकाल के देख रहे हैं, हमें एक भी कीड़ा अब तक इसमें नजर नहीं आया है। अगर ऊपर कहीं भी कीड़ा लगा होता है तो वो बाहर आ जाता है। इसको कहीं कहीं पे दाग है, बट दाग हो अलग होता है और कीड़ा होना अलग होता है, तो इसमें कोई भी अभी तक कीड़ा नहीं देख सकते हैं। ये मैं एक एक करके सब निकाल रही हूँ, पानी गर्म है अभी भी, ये सारी हम इस तरह निकाल लेते हैं। चलिए हमने सारी स्ट्रॉबेरी निकाली, स्ट्रॉबेरी तो बढ़िया क्लीन हो गई, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें डस्ट कितना सारा है, बहुत सारा दिख रहा है ना आपको, ये सब ऊपर स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो लगा हुआ होता है वो डस्ट पूरा है। तो अगर आपको कीड़ा नहीं भी है तो आपकी जो स्ट्रॉबेरी एकदम क्लीन हो गई है खाने के लिए, बिल्कुल बढ़िया, अब आप इसे खा सकते हैं। और ये पानी आप देख सकते हैं कितना गंदा है, तो ये इस तरह लाके आप जरूर कीजिए वॉश करके, ताकि आपको और हेल्थ बेनिफिट मिले स्ट्रॉबेरी के। ये पानी को बिल्कुल हम नजदीक से आपको दिखा रहे हैं, कितना सारा कचरा नीचे आ गया है, आप देख सकते हैं पूरा जो स्ट्रॉबेरी पर लगा था कचरा आ चुका है नीचे। और ये है हमारी स्ट्रॉबेरी, एकदम बढ़िया खाने के लिए, फ्रेश फ्रेश रेडी है। तो बस आप भी ये जब भी लाएं मार्केट से इस तरह कीजिए, और फिर बेधड़क बेझिझक आप खा सकते हैं एकदम हेल्दी, और अपने बच्चों को भी दीजिए। तो चलिए एक और इसी तरह के हेल्दी वीडियो से आपको मिलती है, नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद।